मध्य प्रदेश की मोहन सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है और बेहतर शिक्षा को लेकर खुले मंच से दावे करती है, लेकिन यह तस्वीर है अलीराजपुर के जोबट तहसील के रामपुरा गांव की है, जहां आज भी स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं है। जोबट के समीप रामपुरा गांव में पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री आवास में स्कूल चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम आवास में स्कूल क्यों चल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है। आपको बता दें कि स्कूल के भवन का जर्जर होना एक बड़ी समस्या शिक्षकों और बच्चों के लिए यहां बनी हुई है। दरअसल स्कूल का भवन कभी भी जमींदोज हो सकता है, ऐसे में पीएम आवास में प्राथमिक विद्यालय चलाया जा रहा है और अफसर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई साल बाद भी जिम्मेदारों के कान पर जुआ तक नहीं रेंग रही स्कूल की बिल्डिंग की और ध्यान दिया जाए। स्कूल में पदस्थ शिक्षकों ने बताया कि जर्जर भवन की जानकारी कई बार अधिकारियों को दी गई। स्कूल भवन के जर्जर होने से शिक्षा प्राप्त करने वाले स्कूली बच्चे कभी छत से टपकते पानी की समस्या से जूझते हैं तो कभी उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है, जिसको लेकर कभी वहाँ पेड़ के नीचे तो कभी पीएम आवास के तहत बने घरों में स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल है बेहतर शिक्षा के। जो दावे प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं वह तमाम दावे अलीराजपुर जिले के इस प्राथमिक स्कूल में आकर फेल हो जाते हैं। स्कूली बच्चे आज भी मजबूर हैं पीएम आवास योजना के तहत बने गांव के घरों में स्कूल में शिक्षा पाने के लिए, मगर जिम्मेदारों जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं। अलीराजपुर से संजय वाणी की खबर। ये मकान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कब से पढ़ रहे हैं आपके? ये एक साल हो गया। तो क्या जुलाई से क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? वो स्कूल गए साल पर पानी के कारण से जंजर टूट गए है, उस कारण से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? 32 बच्चे। आज झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कारण उसका? ये वो स्कूल की वजह से, कभी स्कूल कहीं टूट फूट जाए, गिर जाए तो बच्चे का कहीं नुकसान हो जाए, इसलिए बच्चों को मतलब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। क्या स्थिति है उस स्कूल की? स्कूल की बहुत बुरी स्थिति है। अभी तक आपने किसी आला अधिकारी को इसकी जानकारी दी? हाँ, बीओ साहब या बीआरसी साहब को ने आवेदन लिखित में दे रखा है। कोई जवाब मिला है क्या? हाँ, मतलब बन जाएगी, आगे पहुँचा दिया गया है ऐसे बता रहे थे। किस स्कूल किराया दे रहे हैं क्या? नहीं, किराया वराया कहीं नहीं दे रहे, बिना किराए। क्या नाम आपका? शेरू भुरिया। जर्जर अवस्था में भवन है और झोपड़ी के नीचे आज बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने साल से पढ़ रहे हैं? एक साल से पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 32 बच्चे दर्ज है। 32 बच्चे। इसकी जो आज झोपड़ी के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी सूचना आपने आपके उप अधिकारी को दी है क्या? हाँ, दी है सर। कितनी बार दी है? डीएस साहब ने सबको दे करके हमने। अच्छा, तो हाँ। अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अधिकारी बनवाएंगे ना सर स्कूल, बोल के रखा उसने। हाँ, प्रोसीडिंग सब दे करके हमने। क्या नाम आपका? श्रीमती ज्योति जुलजैस।